दोस्तों नमस्कार मैं संजीव भार्गव वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियइंग अनुदेशक गवर्नमेंट आई राजस्थान अलवर में पदस्थापित हूँ आज मैं जो आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ़ ट्रेनिंग के सहायता से सी जो कि हम सी के नाम से जानते हैं 2020 के प्रोस्पेक्टस पे बात करने वाला हूँ और ये उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो इस समय आई कर रहे हैं या जो सी आई में सी में ट्रेनिंग करने कि सोच रहे हैं उनके लिए प्रोस्पेक्टस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर आपको पूरी डिटेल पता पता चले तो आप इसको अगर ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सी या जिसको हम सी कहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी तो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले लेते हैं कि जो एब्रिवेशन होते हैं इसमें कुछ शब्द आएंगे छोटे जिनका पूरा फॉर्म आपको पता होना चाहिए जिसके अंदर पहला होता है ए आई सी टी ए आई सी ई टी ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि हमारे सी टी आई सी टी आई में एडमिशन के लिए आजकल जरूरी हो गया है इसके बाद है एन एस टी आई नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं जिसके अंदर सी टी आई कराई जाती है सी आई टी एस का मतलब होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम यानी कि इसके अंदर जो जो स्टूडेंट आगे जा कर के गवर्नमेंट जॉब में जा कर के और आई टी आई में इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है उसको सी टी आई करनी चाहिए इसके बाद है आई टी ओ टी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ़ ट्रेनी ट्रेनर्स यानी कि ये भी हमारा एन जैसा ही होता है उसके बाद एन जो हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होती है क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के अंदर और प्राइवेट के अंदर अधिकतर आई जो है एन से ही एफिलेटेड होती हैं जो कुछ हमारे आई जो है एस सी बी से भी होती हैं जो स्टेट काउंसिल ऑफ़ वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उसके बाद है सी टी का मतलब होता है क्राफ्ट में ट्रेनिंग स्कीम ई का मतलब है मतलब होता है इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एन का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो कि एन से आई टी करने के बाद जो बच्चे को सर्टिफिकेट मिलता है वो एन सर्टिफिकेट मिलता है अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ए फॉर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स कोर्सेज यानी कि सी आई टी एस जिसको हम सी टी आई के नाम से जानते हैं उसके अगस्त 2020 का जो सेशन स्टार्ट होगा उसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो इसमें पहले है कि अबाउट सी आई टी एस क्या चीज़ है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम टू ट्रेन इंस्ट्रक्टर्स ट्रेन ट्रेनीस इन द टेक्निक ऑफ ट्रांसफरिंग हैंड ऑन स्किल इनडोर इन ऑर्डर टू स्ट्रेन सेमी स्किल्ड और स्किल्ड मैन पावर ऑफ फॉर इंडस्ट्री यानी कि ये जो हमारी जो ट्रेनिंग है वो इस तरह से दी जा रही है दी जाती है जिससे कि वो हमारा सेमी स्किल या स्किल मैन पावर इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सके स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज सो डिजाइंड दैट कॉम्प्रिहिव ट्रेनिंग बोथ इन स्किल एंड ट्रेनिंग मैथोलॉजी इम्पार्ट टू द्रेनिंग टू अनेबल दैम टू बी कन्वर्सेंट विद टेक्निक ऑफ़ ट्रांसफरिंग हैंड ऑन स्किल इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है वो हमारे को इंडस्ट्री के हिसाब से भी दी जाती है और साथ में टीचर ट्रेनिंग के हिसाब से भी इसके अंदर चीज़ों को डाला जाता है एट प्रेजेंट काफ इंस्ट्रक्टर ट्रेंड इन थर्टी फोर ट्रेड्स चौथी स्टेटों के अंदर इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है जो कि अट्ठाईस नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर छः स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के द्वारा और प्राइवेट बारह प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ट्रेनर्स होते हैं जो हैं इंडिया के अंदर दीज कोर्सेज आर कंडक्टेड अंडर द एजेंसी ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग जो कि एन के तहत दी जाती है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स ट्रेनी शैल बी अवारेड क्राफ्ट इस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बाय एन सी बी टी रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो बच्चा सी टी आई या सी आई टी एस सक्सेसफुल पास कर लेता है उसको सी आई टी एस का एन सी यू टी रिकोगनाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है तो एक कैंडिडेट ट्रेंड इन सी आई टी एस स्कीम कैन जो काम कर सकता है उसके बारे में दे रखा है कि वर्क एज ए इंस्ट्रक्टर इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड इम्पार्ट इफेक्टिव स्किल ट्रेनिंग एफिशिएंट स्किल ट्रेनिंग यानी कि वो तर, जो इंडस्ट्री आई टी आई के अंदर अपना इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर सकता है एज ए सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर वो एक सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर होता है ही अर सी वह कैन इम्पार्ट ट्रेनिंग अंडर एनी स्किल डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्कीम यानी कि वो किसी भी छोटे और बड़े जो स्कीम होती है उसके अंदर इंस्ट्रक्टर का काम कर सकता है वर्क एज ए ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर इन इंडस्ट्री फॉर वर्कर्स यानी कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जाकर के वो वर्कर्स के लिए ट्रेनर के रूप में भी काम कर सकता है या कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम कर सकता है उसके बाद है कम्पीट द विद ग्लोबल ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि इंटरनेशनल uh, लेवल के ऊपर जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उसके अंदर भी वो कम्पीट कर सकता है भाग ले सकता है प्रिपेयर रिटर्न इंडस्ट्री मेटेरियल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इसका मतलब कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए वो तैयार हो जाता है कि वो उसके अंदर काम जाके वहाँ पर कर सके बिकम ए टेस्ट आइटम राइटर यानी कि वह किसी भी तरह के टेस्ट को देने के लिए तैयार रहता है ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये जो सी आई टी एस के लिए इस समय प्रक्रिया है उसके अंदर हर बच्चे को अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो उसको ए एग्ज़ाम उसको देना पड़ेगा उसके अंदर आ, मेरिट में आना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर मेरिट के हिसाब से उसका वहाँ पे एडमिशन होगा तो डी जो है कंडक्ट ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्राफ्ट स्ट्रक्टर ट्रेनिंग थ्रू सेंट्रलाइज काउंसलिंग यानी कि सेंट्रल सेंट्रलाइज काउंसलिंग द्वारा डी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा जो कि ए टेस्ट कहलाता है वो ऑनलाइन होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू अपीयर फॉर ऑल ऑल इंडिया कॉमन इंटर ट्रेस्ट फॉर क्राफ़्टटर ट्रेनिंग कोर्सेज जो जो भी बच्चा इसके लिए अप्लाई करना चाहता है या जो ट्रेनिंग करना चाहता है उस वो नीचे दी गई वेबसाइट निमी ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन या निमी डॉट जी ओ वी डॉट इन या डी जी टी डॉट जी ओ वी डॉट इन पर जाकर के और वो अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है इसके लिए जो टाइम दिया गया है वो 15 जून से 27 जून के बीच में है लास्ट डेट हमारी रजिस्ट्रेशन की है वो 27 जून 2020 है जो कि शाम पाँच बजे तक है और जो डेट है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की है वो 19 और 20 जुलाई को होगी उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन कि कौन सा बच्चा जो है इस एग्ज़ाम को दे सकता है या कौन बच्चा इसके अंदर एग्ज़ाम में बैठ सकता है उसके अंदर जो जिस बच्चे ने एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ले रखा है या नेशनल अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट जो कि आई करने के बाद अप्रेंटिसिप के एग्ज़ाम देने के बाद उसको मिलता है अगर उसने कर रखा है तो या डिप्लोमा या डिग्री फ्रॉम द रिकॉर्जनाइ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट से जिसने डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है द कैंडिडेट अंडर गोइंग ट्रेनिंग अंडर क्राफ्टमेंट ट्रेनिंग स्कीम हु आर गोइंग टू अपेयर इन फाइनल एग्जाम ऑफ फॉर ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट ए आई टी टी डिंग जुलाई दो हज़ार बीस में ऑल्सो भी कंसिडर फॉर अपेयरिंग इन द ए आई सी टी बट देयर फाइनल एडमिशन द सी आई टी एस कोर्सेज विल बी सब्जेक्टेड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर ट्रेनिंग अंडर सी टी एस इसका मतलब ये है कि जो बच्चा ए आई टी टी एग्ज़ाम जो होता है वो दो जुलाई दो हजार बीस में होने वाला है उसमें भी अगर बैठने जा रहा है और वो भी अगर पार्ट लेना चाहता है तो उसके अंदर बैठ सकता है लेकिन उसका जो आ, उसका जो ट्रेनिंग फाइनल एडमिशन सी आई टी कोर्सेज विल बी सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर ट्रेनिंग इस अंडर सी टी एस सी टी एस के अंदर जो ट्रेनिंग उसकी स्टार्ट होगी जब वो उसको कंप्लीट कर लेगा उसके बाद उसको Uh, वहाँ पे एडमिशन का पूरी प्रोसेस हो पाएगी इफ़ दे फेल इन दी सी टी एस फाइनल एग्ज़ाम दे विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू दी टी एस सी आई टी एस कोर्स एंड फी डिपोज़िट नॉट रिफंडेबल अगर वो सी टी एस के फाइनल एग्जाम में पास नहीं होता है तो उस कंडीशन में उसका कोर्स को कंटिन्यूस नहीं करने दिया जाएगा और उसका जो फीस है वो वहाँ पर रिफंड नहीं होगी द कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अयर इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ डिग्री और डिप्लोमा ड्यूरिंग जुलाई दो हज़ार बीस में ऑल्सो भी कंसिडर फॉर अपेयरिंग इन द ए आई सी ई टी यानी कि जो बच्चा डिप्लोमा और डिग्री में लास्ट सेमेस्टर में एग्जाम दे रहा है जुलाई दो हजार बीस में देता है वो भी उसको कंसिडर किया जाएगा लेकिन कंप्लीसन दे रहा डिग्री दफ अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो उसका आगे उसका कोर्स हो पाएगा सी आई टी एस का अदरवाइज उसको फेल होने पर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा सी आई टी एस कोर्स को करने के लिए और साथ में उसकी फ़ीस जो डिपॉजिट होगी वो भी उसको रिफ़ंड नहीं होगी फॉर डिटेल एनी एंट्री क्वालिफिकेशन रिलेटेड स्टेट प्लीज रेफर टू एनेक्शर सेकंड एन एक्सर सेकंड इसके अंदर देखा जा सकता है इसके अंदर मुख्य बात एक है कि सी एस सी टी और सी ओ ई कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल यानी कि जिस बच्चे ने आई टी आई सी एस सी टी और सी ओ ई से करी कर रखी है वो इसके एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं होगा इसके बाद अगला है एज इसके अंदर कोई भी अपर एज नहीं है नो अपर एज लिमिट इसके अंदर ऊपर की कोई भी लिमिट नहीं है एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ीस इसके अंदर पाँच सौ रुपये फॉर जनरल एंड ऑल अदर कैंडिडेट पाँच सौ रुपये सभी सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए है तीन सौ रुपये एस सी एस टी फिजिकल हैंडीकैप और ई डी ए डब्ल्यू एस और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है कैंडिडेट नीड टू रिमिट एंट्रेंस एग्जाम फी ऑनलाइन यूजिंग नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू वो जा करके अपनी फ़ीस भर सकता है इसके अंदर मेन बात जो बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आई ए आई सी ई टी एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या होता है कि किस पैटर्न पे एग्ज़ाम लिया जाएगा इसके बारे में इसमें दे दे रखा है द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम विल बी ऑफ टू आवर्स ड्यूरेशन यानी कि दो घंटे का होगा क्वेश्चन पेपर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफ़ द फॉलोइंग पैटर्न यह कि उसका अंदर पहला पैटर्न होगा कि पिछहत्तर परसेंट क्वेश्चन जो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे और आई टी आई लेवल रिलेटेड टू ट्रेड अप्लाइड फॉर द एडमिशन यानी कि जिस ट्रेड में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसी ट्रेड से संबंधित आई टी आई के मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि पिछहत्तर परसेंट होंगे और पच्चीस परसेंट यहाँ पर जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप प्री ट्रेनिंग ऑफ एप्टीट्यूड लॉजिकल न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग के ऊपर आधारित होंगे यानी आपको ज़्यादातर फोकस अपने आई से रिलेटेड ट्रेड के ऊपर करना है क्योंकि पिछहत्तर तो परसेंट उसके अंदर क्वेश्चन जो आएंगे वो आपकी आई ट्रेड से संबंधित ही आएंगे इसके बाद इसके अंदर रिजर्वेशन ऑफ सीट के बारे में दे रखा है सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी इज़ फॉलोड इन द एडमिशन प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस में सेंट्रल रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो उसके अंदर लागू होगी उसके फी स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है जिसको आप देख सकते हो गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट डेप्यूटेट प्राइवेट जनरल और प्राइवेट एस सी एस टी पी एच पी एच और ई डब्ल्यू एस के बारे में यहाँ पर डिटेल दे रखी है एडमिशन फ़ीस रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्वेश्चन डिपोज़िट जिम खाना फ़ीस लाइब्रेरी डिपॉज़िट ट्यूशन फ़ीस एग्जामिनेशन फ़ीस टोटल जो है पाँच सौ सत्तर रुपये फ़ीस है गवर्नमेंट डपोटेट के लिए प्राइवेट जनरल के लिए पंद्रह सौ बीस रुपये टोटल और प्राइवेट एस सी एस टी पी एच के लिए छः सौ बीस रुपये है द फी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आई टी ओ इंस्टीट्यूट आर डिसाइडेड बाई दैम इसका मतलब ये है कि ये तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है लेकिन जो बच्चा इस्टेट गवर्नमेंट से के अंदर जो इस्टेट के अंदर जो कॉलेज हैं या जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी जो फ़ीस है वो इस्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट संस्था ही डिसाइड करेगी इसके बाद है इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं द लिंक फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन पे बी एप्लीकेबल ये इसके अंदर निमी डॉट जी ओ वी डॉट इन या निमी ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन या डी जी ई टी डॉट जी ओ वी डॉट इन पर जा के वो कर सकता है हॉल टिकट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट तेरह जुलाई से अट्ठारह जुलाई के बीच में वो अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकता है द लास्ट डेट ऑफ रिसिविंग एप्लीकेशन इज सत्ताईस छः दो हज़ार बीस को शाम पाँच बजे तक वो फॉर्म भर सकता है द कैंडिडेट एडवाइज टू विजिट द अबव वेबसाइट फॉर टाइम टू टाइम टू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट रिलेटिंग टू एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन यानी कि जो स्टूडेंट जो इसके अंदर फॉर्म भरना भरते हैं वो अपने को वो उनको इन वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को देखते रहना चाहिए जो कि सिलेबस फॉर द ट्रेड एंड द एग्जाम इज प्रोवाइडेड इन द वेबसाइट न्यू ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन यानी कि एलिजिबिलिटी उसके बाद सिलेबस और ट्रेड से संबंधित जो भी जानकारी है वो साइट पे जाकर के देखी जा सकती है उसके बाद द कैंडिडेट कैन सेलेक्ट एनी एंट्रेंस एग्जाम सेंटर मेंशन एनेक्सर वन में जो एग्जाम एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं जो कि यहाँ पे छब्बीस छब्बीस सेंटर हैं उस पर अपनी चॉइस के हिसाब से उसको भर सकता है एग्जाम सेंटर माइट चेंज बेज ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पर्टिकुलर सेंटर यानी कि पर्टिकुलर सेंटर पे अप्लाई किए गए बच्चों के नंबर के आधार पे आपका सेंटर चेंज भी हो सकता है इफ़ वेरी फ्यू कैंडिडेट हैव ऑप्टेन फॉर है एग्जाम सेंटर ऑल्टरनेट अवेलेबल सेंटर विल भी प्रोवाइड अगर बच्चे किसी सेंटर पर कम होते हैं तो आपको दूसरा जो सेंटर वो भी प्रोवाइड किया जा सकता है द अलॉटमेंट ऑफ सीट इन द इंस्टीट्यूट विल बी फाइनलाइज बाय द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द काउंसिलिंग सोनली ऑन द बेस ऑफ द मेरिट मेरिट बेस के ऊपर उनको सीट को प्रोवाइड किया जाएगा जो कि इंस्टीट्यूट बेस पर ही होगा एज़ पर द चॉइस मैंशन बाई द कैंडिडेट इन हिज एप्लीकेशन एज वेल एज कंसिडर इन दर रिजर्वेशन नॉर्म्स और जो बच्चे ने एप्लीकेशन भरा है उसके हिसाब से ही उसको चीज़ चूज करने का जो चॉइस है मैंशन में, जो की है बच्चे ने उसी हिसाब से उसको वहाँ पर सीट का अलॉटमेंट होगा इफ़ एज पर मेरिट द कैंडिडेट प्रिफर्ड सीट आर नॉट वैकेंट हियर सी विल बी ऑफर्ड सीट वेन एवर अवेलेबल यानी कि अगर वहाँ पर जहाँ पर उसने बच्चे ने मांगी है वहाँ सीट उपलब्ध नहीं होती है तो उसको दूसरी जगह को भी आ, सीट अवेलेबल होगी तो वहाँ पर दी जा सकती है ऑफ़र की जा सकती है नो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन विल भी ट्रीट विल बी एंटरटेंडेंट यानी कि कोई भी ट्रांसफर की एडमिशन के बाद ट्रांसफर की कोई भी चांसेस नहीं होंगे नो डायरेक्ट एडमिशन विल बी इन यानी सरकमें यानी किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा उसके बाद ये डेट शीट दे है इसको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए और इसके हिसाब से आपको अपने मोबाइल जनलाई से शुरू होकर के हो सत्ताईस जुलाई को इसका ऑफलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है सत्ताईस जुलाई पाँच बजे तक उससे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा तेरह जुलाई से अट्ठारह जुलाई के बीच में आपको एक्मोक टेस्ट मौका एग्जामिनेशन का मौका मिलेगा जो कि आप ऑनलाइन जाके कर सकते हैं तेरह से अट्ठारह जुलाई अट्ठारह जुलाई के बीच में आपको हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट पे जाकर के उन्नीस और बीस जुलाई कर को आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ऑनलाइन ऑन एट एग्जाम सेंटर यानी कि एग्जाम सेंटर पे उन्नीस और बीस जुलाई को आपको रिजल्ट पब्लिश ऑन ऑनलाइन न्यू ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन की वेबसाइट पे जारी हो जाएगा पाँच से दस अगस्त के बीच में ऑनलाइन काउंसलिंग फ़र्स्ट फेज़ होगा उसके बाद बारह अगस्त से सत्रह अगस्त के बीच में सेकेंड को फेज़ होगा और उसके बाद में उन्नीस से चौबीस अगस्त के बीच में तीसरी काउंसलिंग होगी उसके हिसाब से आपको तैयार रहना पड़ेगा फिर यहाँ पर ये एन फर्स्ट दे रखा है जिसके अंदर एग्जाम सेंटर वो है ए आई सी ई टी दो हज़ार बीस के अंदर छब्बीस सेंटर दे रखे हैं आप अपने जहाँ पे भी रहते हैं उसके नज़दीक में आप देख करके उन सेंटरों को चूज़ कर सकते हो और फॉर्म भरने से पहले इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए या आप अपने कॉपी पेन लेकर के नोट करके रख सकते हो कि कहाँ मेरे को फॉर्म भरते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है तो वो आपको बहुत काम करेगा एग्जाम सेंटर माइट चेंज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पर्टिकुलर सेंटर इफ़ वेरी फ्यू कैंडिडेट हैव ऑप्टेन फॉर एन एग्जाम सेंटर ऑल्टरनेट नियर बाई सेंटर विल बी प्रोवाइडेड इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चों ने एग्ज़ाम सेंटर भरे जाएंगे अगर किसी एग्जाम सेंटर पर बच्चे कम होंगे तो उस कंडीशन में उस एग्ज़ाम सेंटर की जगह उन बच्चों को दूसरी जगह पर नज़दीक वाले दूसरी जगह भी सेंटर के लिए भेजा जा सकता है इसके बाद यहाँ पर एनेक्सर सेकंड के अंदर लिस्ट ऑफ सी आई टी एस ट्रेड्स एंड एंट्री क्वालिफिकेशन के बारे में दे रखा है और इसके अंदर आपको सिलेबस भी दे रखा है तो यहाँ पर आपको छत्तीस ट्रेड हैं जो हमारी आई की बावन ट्रेड को कवर करती हैं उसके रिगार्डिंग में ये लिस्ट है जिसके अंदर पहला एग्रीकल्चर ड्राफ्टमैन कारपेंटर दूसरा कैटरिंग हॉस्पिटलिटी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉस्मेटोलॉजी डेस्कटॉप पब्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर ड्राफ्टमैन सिविल ड्राफ्टमैन मैकेनिक ड्रेस मेकिंग इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी चौदह नंबर है फिटर पंद्रह नंबर फाउंड्री सोलह इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल मशीनिस्ट ग्राइंडर मैकेनिक डीजल मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मशीन मैकेनिक मोटर मैकेनिक मैकेनिक मोटर व्हीकल ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरी प्रैक्टिस हिंदी प्लम्बर रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थोमेटिक आर ओ डी ए उसके बाद स्विंग टेक्नोलॉजी शीट मेटल वर्कर्स सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स टूल एंड डाई मेकर एंड आपकी uh, फिर है मैकेनिक ट्रैक्टर तैतीस है टर्नर वेल्डर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग और छत्तीस लास्ट हमारी फूड ब्रवरीज तो इसकी डिटेल आपको इसके अंदर सारी मिल जाएगी आप साइड पे जा कर कर के देख सकते हो और साथ में नीचे जो नीले कलर से ये दिखाई दे रखा है ये इसके अंदर स्टेट्स इस से संबंधित जो सी आई टी एस के अंदर सिलेबस होता है वो इसके अंदर दे रखा है तो आप उसको भी जाकर देख दे सकते हो इसके बाद ये एनेक्सर थर्ड लिस्ट ऑफ़ सी टी एस ट्रेड्स एंड इक्विपमेंट सी आई टी एस स्टेट्स तो यहाँ पे कौन सी ट्रेड का बच्चा जिस ट्रेड से आपने सी टी एस करी है उसके अंदर कौन सी सी आई उस ट्रेड से रिलेटेड कौन सी सी आई टी ट्रेड है ट्रेड है उसके बारे में ये लिस्ट दे रखी है जैसा कि आप पहले देखोगे कि यहाँ पे सी टी एस ट्रेड के अंदर पहले के अंदर आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैनशिप और आर्किटेक्चर असिस्टेंट है इसके लिए जो हमारा सी आई टी एस ट्रेड होगी वो होगी आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन इसी तरह आप चौथे के अंदर देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस जो है इसके लिए सी कोर्स होगा वो होगा कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग नेटवर्किंग मेंटेनेंस इसी तरह हमारे बावन जो सी की ट्रेड्स हैं उनके लिए छत्तीस सी आई ट्रेड को चुना गया है जिनकी डिटेल यहाँ पर दे रखी है तो ये भी आप जाकर के देख सकते हो ये सारी चीज़ें सेट साइट पे उपलब्ध है उसके बाद यहाँ पर एनेक्शन फोर के अंदर लिस्ट ऑफ एन एस टी आई और आई टी ओ टीज की जो लिस्ट है वो दे रखी है कि इसके अंदर ये भी आपके बहुत काम आने वाली है आगे जो इसके अंदर जाकर के आपको सीट मेट्रिक देखने को मिलेगा कि कौन सी जगह पे कौन सी ट्रेड के अंदर कितनी सीटें हैं वो आपको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए कि मेरे को कहाँ कहाँ अप्लाई करना है क्योंकि एंड टाइम पे आप उसका डीशन नहीं ले पाएंगे तो पहले आप कॉपी पेन पे ये लिख लें कि कौन सी कौन सी जगह पे आपको आपको जाकर के ट्रेनिंग करने की इच्छा है वो पहले से आप चार जगह नोट करके रखें तो यहाँ पर मुंबई कानपुर कोलकाता हैदराबाद चेन्नई लुधियाना जोधपुर हल्द्वानी कालीकट भुवनेश्वर हैदराबाद देहरादून बेंगलोर जमशेदपुर नोएडा इंदौर मुंबई बेंगलोर तिरुवंतपुरम इलाहाबाद बड़ोदरा जयपुर तूरा कोलकाता राजपुरा शिमला त्रुचि पटना और अगरतला ये तीस हमारे सेंटर हैं जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इसके बाद हमारे आते हैं स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स आई इनको हम आई कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स तो इसके अंदर पहली है मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल उड़ीसा में है आपके uh, तलचारी उसके बाद देवगरी ये आपके कर्नाटक में है हरियाणा में है आपका रोहतक में कर्नाटक में है इसके बाद इसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग में आई टी ओ टी एस अंडर एन सी टी आई टी ओ टी जो है हरियाणा में हिसार में है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा सिरसा फिर हरियाणा में फिर हिसार हरियाणा में है उत्तर प्रदेश में भागपत पंजाब में फैज़िलका पंजाब में बठिंडा पंजाब में पटियाला हरियाणा में अम्बाला पंजाब में फजीका और राजस्थान में झुंझुनू भांगड़ आई टी और उसके बाद उड़ीसा यानी कि ये बारह सेंटर हैं जहाँ पे ये प्राइवेट एन सी टी से जो हमारे आ, सी सी टी आई कराने वाले सेंटर हैं तो इनको भी आप देख सकते हो इसके बाद ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ सी आई टी एस सीट्स एंड इंस्टीट्यूट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ सी टी सी आई टी एस सीट्स एंड एन एस टी आई नंबर ऑफ़ ट्रेड एंड सीट्स आर सब्जेक्टेड टू चेंज यानी कि ट्रेड और सीट जो है नंबर ऑफ चेंज वो चेंज भी हो सकती हैं तो यहाँ पर आपको आपको कॉलम के अंदर पहले में कारपेंटर इस तरह से ट्रेड का नाम दे रखा है और यहाँ पे आपको नीले कलर के अंदर जगह का नाम दे रखा है और उसके अंदर कौन सी सीट कौन सी ट्रेड के लिए कितनी सीट है उसको ये दिखा रखा है तो ये हमारे सत्ताईस ट्रेड के बारे में है आगे जलते है, चलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ सी आई टी एस सीट्स इन एन एस टी आई वुमेन यानी कि ये वुमेन्स के लिए हैं जो कि हमारे तीन और तीन छः और तीन नौ और तीन बारह और दो चौदह चौदह हमारी जो सेंटर है वो वुमेंस के लिए हैं उसके अंदर सीट भी दे रखी है और कौन कौन सी ट्रेड है तो ये तेरह ट्रेड है और इसके अंदर चौदह हमारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे ये वुमेन्स के लिए ट्रेनिंग होती है इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ सी सीट्स इन स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आई तो ये स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई की डिटेल यहाँ पे दे रखी है कौन सी स्टेट के कौन सी जगह पे कितनी सीट्स हैं इसके बाद आपका अनेक्शर फोर के अंदर अम्यूनिटीज़ अवेलेबल यानी कि हॉस्टल रूम कहाँ कहाँ मिल मिलते हैं आपको मैन वूमेन के लिए तो सबसे ज़्यादा जो हॉस्टल हो, की सीट है वो हमारे अम्बाला में चार है चेन्नई में एक है और वुमेन के लिए नोएडा में तीन सौ पचहत्तर सीटें हैं और कलकत्ता में तीन सौ नब्बे सीटें हैं तो ये इसमें डिटेल आपको दे रखी है तो ये आप जा करके दे सकते हो उसके बाद आई टी ओ टी एस कैंपस और दे रखे हैं जिसके अंदर भी सीट्स के बारे में जानकारी दे रखी है कि हॉस्टल रूम कहाँ कहाँ उपलब्ध है उसमें कैंटीन है या नहीं मैथ वाईफाई बैंक एटीएम कैंटीन लाइब्रेरी रिक्रिएशन हॉल और जिम ने जिम खाना ये डिटेल इसमें दे रखा है कि ए ए है या नॉट ए है ए ए का मतलब यहाँ पे अवेलेबल है एन ए का मतलब नॉट अवेलेबल है ए पी जी का मतलब अवेलेबल पेइंग गेस्ट और सीफ का मतलब कैपेसिटी है यहाँ पे तो आप इसके बारे में आप साइट पे जा करके के भी इस प्रोस्पेक्टस को देख सकते हो इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल चुकी होगी अगला वीडियो जो होगा उसके अंदर मैं आपको किस तरह से सी का फॉर्म भरा जाएगा उसको मैं बनाऊँगा और एक और आपको मैं वीडियो बना के इसके अंदर कि सी का मतलब क्या है उसका क्या फ़ायदा है क्योंकि इस समय जो डी जी ने एक सर्कुलर निकाला था उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिए गए हैं कि आप जो भी आप आगे का गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करेंगे उसके अंदर हंड्रेड परसेंट आपको सी ही पास कर किए हुए बच्चों को लेना है इसलिए और भी जरूरी हो जाता है कि जो बच्चा सी करेगा उसको आगे जा के गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेज अधिक हो जाएंगे क्योंकि वही केवल एलिजिबल होगा इंस्ट्रक्टर के लिए किसी भी कंपटीशन को देने के लिए तो आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इससे अंदर बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली है ये आप देखेंगे पूरा तो ये आपको सारी जानकारी पता चलेगी तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आएँ तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके बेल को क्लिक करें जिससे कि आने वाले और भी नोटिफिकेशन आप वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें आप इस शेयर को आप अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें नमस्कार धन्यवाद जय हिंद जय भारत